जैसे देख सकते हैं घर का अंदर में काफ़ी कोल्ड रहता है, ठीक है, लेकिन बाहर में यार इतना गर्मी रहता है। और क्या करूँ, अभी मेरा मशीन वशीन पूरा उधर डाला हुआ है, कनेक्शन किया हुआ है। अभी फ़िलहाल उसमें एक स्टेप बनाएंगे, स्टेप कुछ इस तरह है, और ये एक टंकी स्टैंड है वो डालेंगे। फिर आप सभी को जुम्मा मुबारक हो, आज शुक्रवार है। वैसे तो मेरे 8 बजे ब्लॉग आ जाते हैं, लेकिन आज कुछ कारण से मैं कल शूट कर नहीं पाया, तो इसके लिए ये एक रेलिंग है, इसका ऊपर में 1.5 का एक पाइप बिठाएंगे, फिर वो फिक्सिंग कर देंगे, हो जाएगा। और ये भी टंकी स्टैंड का कुछ है। और बाहर में देख सकते मौसम काफ़ी अच्छा है, आज का धूप है पूरा। तो फिलहाल अभी थोड़ा काम कर लेते हैं, बाद में आप लोग से मिलेंगे। वीडियो अच्छा कर लगे तो लाइक करो, नया तो सब्सक्राइब करो, और आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट करो आप लोग। तो फिलहाल अभी थोड़ा काम कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, आपको अप टू डेट भी दिखाएंगे आप लोग को। और हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को एक नया वीडियो में स्वागत है। तो अभी फाइनली इतना टाइम से वो बात कर लिया, और अभी कुछ काम है, थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, करने के बाद थोड़ा थोड़ा करेंगे अप टू डेट जो है होगा वो अप टू डेट करेंगे आपसे लोगों का साथ। आप लोग कुछ सपोर्ट करो, क्योंकि ट्रेवलिंग ब्लॉग अभी मैं बना नहीं सकता, फिलहाल जस्ट आके ज्वाइनिंग किया है, फिर देखेंगे धीरे धीरे। और संडे में कुछ होगा वो आप लोग को दिखाएंगे, और आप लोग अगर थोड़ा सपोर्ट करोगे तो मैं फुल टाइम देंगे, यूट्यूब फुल टाइम देंगे तो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी काम पे लग जाते हैं सुबह के टाइम में, और जुमा भी है आज, तो फटाफट काम कर लेते हैं। तो कैसे देख सकते हैं अभी स्टेप बना लिया, इसको फुल वेल्डिंग करना बाकी है, तो इसको फटाफट फुल वेल्डिंग कर लेते। जुमा का भी टाइम हो रहा है, अभी नहाने वहाने जाएंगे और फिर जुमा के लिए निकलेंगे। और आज आप लोग को दिखाएंगे, काफ़ी दूर है मस्जिद, लेकिन मुझे क्या करूँ, मैं पैदल जाना पड़ता है। तो फिलहाल देख सकते इसका फुल वेल्डिंग बाकी है, और बस फुल वेल्डिंग करके निकल जाएंगे। तो वीडियो में बने रहो। तो कुछ ये इस तरह है टॉप, जो स्लैब है उस स्लैब से ये जगह में आने का, मेरा हिसाब से यहाँ कोई फूल का जो टाब वब रहता है वो सब रखेगा, गार्डन टाइप का बना देगा वो लोग, इसके लिए स्टेप दिया हुआ है। तो गाइस देख सकते हैं अभी नहा हुआ के रेडियो के मस्जिद की ओर निकल पड़ा, तो काफ़ी दूर है और धूप भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो अभी धीरे धीरे करके चलते हैं। और कुछ इम्पोर्टेंट बात है जो कल मुझे पता चला यहाँ आके, वो बात करेंगे, तो आप लोग पूरा सुनना क्या बोलेंगे मैं। तो गाइस बात कुछ इस तरह है, कल मैं उधर निकला था जब, तो पूरा सिटी बंद थी, लेकिन उसमें तो ज़्यादातर जितना है मुस्लिम्स दुकान सब बंद है। क्यों रीज़न बाद में मुझे पता चला कि कल हिजाब के लिए कुछ प्रोटेक्शन हो रहा था, जिसके लिए कुछ हो रहा था, तो इसके लिए जितना भी मुस्लिम्स दुकानें सब बंद था। और बाद में उसका तहकीकत किया मैं, थोड़ा बहुत मुझे मालूम पड़ा बुरका और हिजाब दो है, जो सर पे रहता है वो होता है हिजाब, और जो फुल ब्लैक कलर का होता है वो बुरका। तो बोला ठीक है तुम स्कूल नहा सकते हो, रोड में पहन सकते हो, मुश्किल नहीं, लेकिन क्लास में वो करना, क्लास में बुरका डालना अलाउड नहीं, क्लास में आप हिजाब पहन सकते हो इसके लिए। तो गाइस मुझे तो इतना अभी मालूम नहीं हो रहा है उस बिल के लिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो अगर आप लोग को मालूम हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ, और क्या ये सही है या गलत। तो गाइस तो आप लोग को मालूम है ऐसे ही बहुत दबा रहा है ये लोग, और एक के बाद एक करते ही जा रहा है, तो क्या करेंगे। और अगर इसी मामले में, इसी मुद्दे पर अगर लॉ बन जाएगा, या तो बन गया हो गया, अगर बन जाएगा तो उसको पालन करना हम लोग के लिए फ़र्ज होता है, क्योंकि तुम कानून के खिलाफ, कोई भी कानून के खिलाफ नहीं जा सकता। अगर रूल्स बन गया, लॉ बन गया, तो उसी को ध्यान में तो रखना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर और मुश्किल हो जाएगा। और अगर हिजाब का अलाउड है, हिजाब का अगर अलाउड है, तो फिर मेरा हिसाब से वही यूनिफॉर्म को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। और वैसे तो हमारा जैसे कि घर का देखा नहीं मैं अभी तक,
जो मुस्लिम्स गर्ल्स है यहाँ पर, तो ये लोग माशाल्लाह काफ़ी अच्छा करके पहनते हैं। और डरने की कोई बात नहीं और टेंशन वाला कोई बात नहीं, जीत हमेशा सच्चाई का होता है। फिलहाल अभी जो लॉ होगा, जो आइन होगा, जो कानून बनेगा, उसी कानून को हम लोग फॉलो करना पड़ेगा। और जो प्रोटेक्शन हो रहा है, जिसके लिए मुद्दा बन रहा है, इतना दूर तक रोड दिखता है उतना दूर चलने का है। अभी आ गया कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर, और अभी 1 किलोमीटर जाने का है, बहुत धूप ऊपर से। तो बस दस सब यार नमाज पढ़ के खाना खा रहा है, तो चलो देखा गया क्या खाना। तो देख सकते हैं ये राइस सांभर होता है, फिर ये चटनी भाजी, ये मिक्सचर अचार, ये डिश। जस्ट खाना खा के और रोड क्रॉस कर ला, फिर फटाफट चलते हैं। गाइस बादाम बादाम तो बहुत सुना, अभी आप लोग को काजू बादाम दिखाते हैं। उधर जाने का टाइम में देखा नीचे गिरा हुआ है, फिलहाल है तो दिखाएंगे आप लोग को कि काजू कैसे पकड़ते हैं। और बहुत मस्त है, लेकिन बहुत रिक्स भी है, ये डेंजरस है, एसिड जैसा कुछ है। तो गाइस देख सकते हैं ये काजू फूल लगा हुआ है, और ये है काजू। अब ये जो फूल है ना, ये काफ़ी बड़ा होता है, कलरफुल होता है, मस्त मस्त लग रहा है। देखा पूरा मेन रोड में ये दो भी है, काफ़ी सारा लगा, बहुत बड़ा पेड़ है। ये देखो कितना बड़ा पेड़ है उधर। तो गाइस आप सभी को शब बारात मुबारक हो। तो अभी मैं काम पे आ गया नमाज़ पढ़ के, फिलहाल धूप काफ़ी ज़्यादा है, और मैं ये सनग्लास भी डाला, वो स्टाइल और फैशन कुछ नहीं भाई। देखा धूप सीधा आँख में पड़ते हैं, ऊपर से मैं होल्डिंग का काम करते हैं ना, इसके लिए और मुश्किल लगता है। और क्या बताओ गाइस लोग, देखते देखते तो दिन डल गया और मेरा भी काम फिनिश होने वाला है। फिलहाल अभी धूप काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और इसके लिए जैसे कि अभी इधर हो गया, और ये ऊपर का एक रेलिंग है छोटा सा, ये कुछ 3D में ऐसा आ रहा, तो इसको बना दिया अभी फिलहाल। और ये टैंकी स्टैंड है, ये टैंकी स्टैंड अभी बना रहा है, तो देख सकते हैं। और इसका ऊपर में अभी सिर्फ पट्टी बिठाएंगे, वो पट्टी एक एक करके पट्टी बिठाएंगे इसका ऊपर में, हो जाएगा बस मेरा काम, टाइम भी हो जाएगा। और फिलहाल जितना भी सामान है उस सबको सेट करके फिनिश कर देता है। गर्मी बहुत है, अभी धूप थोड़ा कम है, अच्छा लग रहा है। और बताओ आप लोग, बाकी दिन कल बहुत ख़राब चल रहा है। आप लोग जैसे भी रहो, खुश रहो, जहाँ भी रहो। और सुपारी देख सकते हैं, सुपारी का पेड़ मस्त सुपारी पकड़ता है भाई। अभी बारिश नहीं हो रहा है ना, सुबह एक बार पानी देते वो लोग और शाम को एक बार पानी देते, इसके लिए देखो ना बारिश नहीं है, फिर भी सुपारी का पत्ता देखो कितना हो गया। तो फिलहाल अभी तो मैं छोटा छोटा ब्लॉग बना रहा है, तो आई होप आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो एक लाइक करो, नया तो चैनल में सब्सक्राइब करो। और आज आप सभी को शब बारात मुबारक हो, अल्लाह आप सभी को जन्नत अदा फरमाए। इसी बात पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।